आ रही है। अब की बार तो फसल वो तो जा चुकी है, जिस तरह से पानी भर हुआ और जिस तरह से पीछे दो गांव से पानी आ रहा है, पानी हर रोज आधा फुट एक फुट बदल लग रहा है डेली का। अब तो लास्ट, अब तो मरने की कगार वाली बात होगी। मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। इस समय हम हैं कैथल के जिला जो है प्रशासनिक कार्यालय यानी कि डीसी ऑफिस के बाहर, और डीसी ऑफिस की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर रजौंद जो कस्बा है उसके पास पड़ने वाले गाँव गुलियाना से पंचायत आई हुई है, और पंचायत का सीधा सीधा ये कहना है, अपनी जो मांगे हैं कि गांव के अंदर जो बरसात का पानी भर चुका है और बरसात के पानी की वजह से उनकी जो फसल है वो ख़राब होने को है, और उसके बचाव को लेकर के यहां पर गांव से पंचायत आई हुई है। लगातार 3 दिन हो गए हैं गांव की पंचायत यहां पर आ रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और बार बार ये डीसी साहब और अन्य जो अधिकारी हैं उनको गुहार लगा रहे हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पानी कहाँ से भरा है और कितने दिनों से भरा हुआ है और कितने बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं जो यहाँ पर पंचायत आई हुई है। जी सर, लगभग 4 से 5। क्या नाम आपका? मुख्तियार जी। मुख्तियार जी, इधर आइए आप सर, इधर आइए। कौन सा गांव है आपका? गुलियाना जी। गुलियाना गांव है। तो कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपनी जो समस्या को लेकर? बहुत से लोग ज्यादा आ रहे, 20-25 लोग आ रहे। अच्छा, आप आगे आ रहे हो जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? खजाना जी। खजान जी, तो गांव की पंचायत आई हुई है, डीसी महोदय यहाँ पर नहीं है? मिला जी, हम कल मिले थे डीसी ने। अच्छा, क्या कह रहे थे उनका? फिर कागज समस्या हल कर दूंगा। अच्छा, कोई टीम आई थी वहाँ से? आई थी, सारा महकमा आया था। अच्छा, हाँ। तो क्या हुआ? करे कोई दबिया नहीं गया, पैप दबाना, पैप दबिया नहीं गया, दबे नहीं। हाँ, अच्छा। बोला मैं कैसे को नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जसवंत है। डीसी साहब को उन्हीं के अफसर है जो गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे जाके मौके का जायजा लिया कल, और आके डीसी साहब को ये बोल दिया वहाँ पे पानी नहीं है। अच्छा। तो हम तो डीसी साहब को ये बोलने के लिए, भाई आप चलिए हमारे साथ और आप मौका देखिए, अपने आप पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है। अच्छा, आप क्या अभी मानते हैं कि वो पानी भरा हुआ है? और दूसरी बात ये भी है कि जो गांव के लोग हैं वो इस बात को लेकर आए हैं कि जो अफसर आए थे वहां पर के, उन लोगों ने सही सर्वे नहीं किया, आपका ये कहना है? और मेन बात एक ये हो रहा है, अगर हमारी अब की बार तो फसल वो तो जा चुकी है, जिस तरह से पानी भर हुआ और जिस तरह से पीछे दो गांव से पानी आ रहा है जी, सोंगरी का भी और बालू का भी। हमारी मेन समस्या जो हमारा मेन बस स्टैंड वाली सड़क है ना जी, उस सड़क पे एक भी पुलियन दबी हुई है, निकासी का नहीं है लेकिन सभी सड़क पे पुलियन दबी हुई है जी, और वहाँ से तो पानी चला आ रहा है जी, और हमारी सड़क है ना जो उस पे कोई पुली नहीं है, एक भी पुली, वो वहाँ पे पानी रुक के है ना, वो धीरे 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 जलस्तर तो बढ़ रहा है। कितने बजे अभी आए थे? और अभी डीसी साहब तो है नहीं, हम लेकिन कैसे, कितना वेट करेंगे, कितने बजे आए? 10:30 बजे पहुँच गए थे जी डीसी साहब ऊपर मीटिंग में, हमें तो यही सुनने को आ रहा है जी, आएंगे आएंगे, कोई नहीं, जब आएंगे मिलके जाएंगे। अच्छा, तो जो आपने एप्लीकेशन दी थी उसके अनुसार आपको लगता है कि सर्वे हो चुका है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दिया यहाँ भी वहाँ पानी नहीं भरा हुआ। हाँ। तो पानी भरा हुआ है नहीं भरा हुआ ये आप बताइए। पानी भरा हुआ है, अभी तक भरा हुआ है? हाँ, अभी तक भी यहाँ फिर बरसात के कारण भरा हुआ है, बरसात के कारण। और कल यहाँ से जाने के बाद इतनी जबरदस्त, इतनी तेज बारिश हुई है, खुद जाके देख सकते हैं। वो तो पहले था ही, और भी बढ़ गया। पानी हर रोज आधा फुट एक फुट बदल लग रहा है डेली का। हाँ, डेली का सारा निकासी पहले भी पहले नहीं भर जाता था, इतनी बारिश नहीं हुई थी, सानू पास बारिश हुई है, बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी रोड है नहीं, रोड के नीचे को नहीं है, क्रॉसिंग बदल फिर हम तो पहले जो क्रॉसिंग थी वो पहले खुली हुई थी, दो मोरी थी, पहला बंद की थी, रोड बनया नहीं, दो तीन बार रोड बन लिया, वो नीचे रहेगी। तो अब की बार जो है जो जो मोरी है वो बंद होने की वजह से पानी जो है गांव के बीच में जाएगा, गांव बीच में खड़े खड़े अंदर खड़ा है, उसमें लड़ा है, मतलब उसका घटा किलोमीटर में पानी खड़े जी। अच्छा, कितने कितने किले हैं, कितनी ऐसी जमीन है खेती की जिसके अंदर पानी जो भर चुका है? 700 से 800 किले। 700 हमारी मेन प्रॉब्लम बस यही है, हमारी एक तो पानी की निकासी की दाई, और उस सड़क के अंदर एक भी पुली नहीं है, और आज तक पूरे हरियाणा में, हाँ जी सर, हाँ वीडियो हमारे पास, वीडियो भी देंगे आपको, पूरे हरियाणा में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस सड़क
के नीचे पुली नहीं दबी हुई है, निकासी नहीं दी गई हो, एक सिर्फ इसको छोड़ के जी। हम उस गांव का भी सर्वे करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी साल का नहीं है सर जी, इसी साल का नहीं है, पिछले लगातार दो साल से ऐसे ही फसल है, दो साल से पानी भर जा रहा है। अब तो लास्ट, अब तो मरने की कगार वाली बात होगी। अच्छा, नहीं जितना मकान है वो पानी को कब तक सहन करेगा, मकान गिर जाएगा, दोबारा मकान नहीं बनेगा। तो ये जो वीडियो, मकान गिर गया तो जी, ये जो वीडियो आप लोग दिखा रहे हैं, क्या जो अधिकारी आए थे उन लोगों ने वहाँ पे सही, आपका कहना है कि उन लोगों ने सही सर्वे नहीं किया? नहीं किया। क्या कौन से खाली एरिया के अंदर गए थे वो? नहीं खाली, वो पता है वो कर रहे हैं जो अपनी मंत्री जी लगा लो या किसी अफसरी लगा लो, कोई उनके पास एक फोन कॉल आती है और तभी चले आते हैं। हमें ये नहीं पता, अभी तक ये पता नहीं चला वो फोन कॉल किसका आता। अच्छा, ये बताइए अब सवाल ये है कि उसका समाधान क्या हो सकता है आपके आपके माध्यम से, यानी आप क्या चाहते हैं कि समाधान क्या हो? और जहाँ पे पुली दबेगी वो आगे भी पंचायती जमीन है, वो किसी की पर्सनल नहीं है, कोई लाल डोरिया ने किसी की जमीन नहीं कटी हुई है, वो खाली पानी उधर से जाता था। अब सड़क बनाने की वजह से जो है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे अब जो कैमरे के माध्यम से, और वो बड़ी स्क्रीन जो है हमारे कैमरे के माध्यम से राइट साइड पे आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से, लेकिन ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से गांव में कितना कितना पानी भर, ये जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर जो आदमी खड़े हैं, ये खड़े हैं या बैठे हैं? नहीं जी, खड़े हैं सर, खड़े हैं। तो कितने फुट का, कितने फुट का पानी है ये? इतना पानी है। अच्छा, इतना फुट का पानी है, लगभग ये 3-3.5 फुट का पानी बताया जा रहा है और इनका ऐसा कहना है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है इस समस्या का समाधान होगा, डीसी महोदय क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये वेट कर रहे हैं, अभी मीटिंग में है, उसके बाद क्या कुछ इनको आश्वासन मिलता है, और मौके पर भी हम अपने रिपोर्टर को भेज के वहाँ के विजुअल मंगाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कैथल पब्लिटी पर प्रमुखता से हर खबर देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और जुड़े रहिए धर्म के साथ। मैं कैमरामैन राजेश के साथ आपसे फिर अलविदा लेता हूँ, नमस्कार।